नमस्कार, स्वागत है आपका संगीत प्लानेट में। तो फ्रेंड्स, जो हमारी एमसीक्यू की सीरीज चल रही थी उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। यह आज की आपकी जो क्लास सेवन्थ यह रहने वाली है, यानी कि एक से लेकर के छः तक क्लासेस आपकी अपलोड हो चुकी हैं, उनमें हम 180 क्वेश्चनों को डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, आपकी यह 180 क्वेश्चन नहीं है, इनका हमने आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी बताया है। तो आपका यहाँ से लगभग 400 से 500 क्वेश्चनों का आपके पास कलेक्शन बन जाता है। तो जो विद्यार्थी अभी भी एक से लेकर के छः तक क्लासेस को नहीं देखे हैं, आप उन क्लासेस को देख लीजिएगा, वहाँ से आपको बहुत अधिक हेल्प मिलेगी। आज हम आपसे क्लास सेवन्थ के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जो कि काफ़ी विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे कि सर, BPSC की एग्जाम डेट आ चुकी है। यानी कि जो न्यूज़ों में और जो खबरों में बातें चल रही हैं कि BPSC का एग्ज़ाम मार्च में होने वाला है। तो देखिए गाइस, मैं आपको बता दूं, यह पूरा का पूरा एक राजनीतिक एजेंडा है। यहाँ पर जो पिछली सरकार थी आपकी तेजस्वी यादव जी की, उनकी तरफ से पूरा का पूरा जितनी भी आपकी पिछली भर्तियाँ हुई हैं उनका क्रेडिट लिया जा रहा था। तो अब जो न्यू सरकार बनी है NDA की तरफ से, तो अब इनका जो मानना है कि पूरा का पूरा जो भर्ती हुई थी पिछली वाली, उसका क्रेडिट तेजस्वी यादव जी ले गए। तो अब हमारे लिए क्या करें, तो इसीलिए इन्होंने इस भर्ती को लेकर के आने वाली हैं। अब देखिए, इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका, यह आपका 15 मार्च से होने वाला है। यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि 15 मार्च से लेकर के आपका 20 मार्च तक आपका यहाँ पर एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अब आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी किस प्रकार से करनी है और आगे आपको क्या करना है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो। अब देखिए, यहाँ से एक बात और निकल के सामने आ रही है कि जो एस्टेट आपका होने वाला है 2024 में, इसके अपियरिंग वाले विद्यार्थियों को भी यहाँ पर लेने वाले हैं। तो यानी कि अपियरिंग विद्यार्थियों को अगर लेंगे तो फिर आपका कंपटीशन और अधिक बढ़ जाएगा। तो अब आपको इस कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए अपने आप को बहुत ही अच्छे से तैयार करना है और अच्छे से आपको अपनी तैयारी करनी है। अब देखिए, हम आपके लिए क्या करने वाले हैं। अब देखिए, जो आपका BPSC का एग्ज़ाम आपका अगर अगस्त में होता तो हम आपके लिए प्रॉपर पूरा का पूरा बैच लॉन्च करने वाले थे, यानी कि आपका ऐप पर पेड क्लासेस लेकर के आने वाले थे। लेकिन अभी आपका इतनी जल्दी एग्ज़ाम हो रहा है और इतने कम समय में आपका एग्ज़ाम हो रहा है, तो हम नहीं चाहते हैं कि आपका समय का यानी कि दुरुपयोग करें, जो कि हम आपके से पैसे हड़पें। देखिए, हमारा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है। हम चाहते हैं कि आपको इतने कम समय में, आपके पास समय कम मिला हुआ है और आपको इस समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो हम आपकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाएंगे। हम आपके लिए क्या करने वाले हैं, देखिए, आपका जो सबसे पहली बात, आपका जो MCQ का सीरीज चल रहा है 1000+ क्वेश्चनों का, इसको आपको देखना है। आज से ही आप इस सीरीज को देखना स्टार्ट कर दीजिए। और जो विद्यार्थी पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं वो पहले उनको देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत अधिक हेल्प मिलेगी। अब देखिए, मैं आपके लिए यहाँ से जो हमारी MCQ सीरीज चल रही है उसका भी आपको PDF हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं। आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको यह PDF मिल जाएगी। तो पर डे हम आपको PDF देने वाले हैं। प्लस में हम आपके लिए क्या करने वाले हैं, जो आपकी थ्योरी को लेकर के भी काफ़ी डिमांड आ रही थी कि सर, अब हम थ्योरी का क्या करें। तो देखिए, जल्दी हम एक दो दिन में प्लान करने वाले हैं आपके लिए YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट थ्योरी की क्लास से हम लेकर के आने वाले हैं। तो जितनी भी विद्यार्थी अदर जगह कोर्स ज्वाइन करना चाहती हैं, यानी कि वो चाह रहे हैं कि हम पेड कोर्स ज्वाइन कर लें, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप एक दो दिन रुक जाइए। देखिए, हम आपके लिए जो क्लासेस पेड करने वाले थे उन्हीं को अब हम फ्री कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके लिए इतने कम समय में आप ही हमारी तरफ से कुछ हेल्प कर दें और आपके लिए बेहतरीन कंटेंट के साथ आपके एग्जाम में हम कुछ सहयोग कर सकें। तो आप एक दो दिन रुक जाइए, हम आपके लिए पूरा का पूरा प्लानिंग कर रहे हैं और जल्द से जल्द हम आपके लिए YouTube पर, यानी कि YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी यहाँ पर हम क्लासेस लेने वाले हैं। देखिए, कंटेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा आपका। हम जिस प्रकार से पेड कोर्स में देने वाले थे, सेम टू सेम आपको फ्री कोर्स में देने वाले हैं। आपको पूरा का पूरा प्रॉपर नोट्स मिलेगा हर एक लेक्चर का। आपको हम टेस्ट सीरीज भी लेकर के आएंगे, यानी कि आपको फ्री में ही हम टेस्ट सीरीज देने वाले हैं। अगर ज़्यादा कुछ रहेगा तो हम आपको बता देंगे, लेकिन आपके लिए पूरा का पूरा थ्योरी का कोर्स हम आपको YouTube पर देने वाले हैं। तो आपको बेहतरीन कंटेंट के साथ, आप एक बार हमारे क्लासेस को देख लीजिएगा और आप कहीं पर भी, आपको यार फिर आपका दोस्त कहीं पर पेड कोर्स लेकर के तैयारी कर रहा हो, आप उनसे मिला लीजिएगा, आपको कुछ ना कुछ बेहतर ही देखने के लिए मिलेगा। तो ये था आपका पूरा का पूरा BPSC को लेकर के। प्लस में देखिए, हम थ्योरी करवाएंगे आपको। प्लस में MCQ सीरीज चली रही है, तो आपको थ्योरी प्लस MCQ कंप्लीट तैयारी आपको हमारे साथ जोड़ करके आपकी होने वाली है। तो आज देखिए, आपके लिए हम
जितना भी कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम आगे आपके लिए और क्या करने वाले हैं, आपका जो बीपीएससी का जितना भी पेपर हुआ है अब तक, यानी कि आपका बीपीएससी का हाल फिलहाल में 3 पेपर हो चुका है, तो उसका हम एनालिसिस लेकर के आने वाले हैं जल्द, जिससे आपको अंदाजा लगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए पहले आपका हुआ था पीजीटी का, जो फर्स्ट वाली भर्ती आई थी टीआरई फर्स्ट में आपका पीजीटी का हुआ था, तो आपका टीआरई 2 आया था, उसमें आपका टीजीटी प्लस आपका पीजीटी का हुआ था। यानी कि अभी तक बीपीएससी आपका म्यूजिक का 3 पेपर ले चुकी है, इन तीनों पेपर का पहले हम आपको एनालिसिस करवाने वाले हैं, जिससे आपको भी अंदाजा लगे कि क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है, किन किन टॉपिकों को ज़्यादा फोकस कर रहा है बीपीएससी, जिससे आप भी अपनी सेल्फ स्टडी में अपने आप से कुछ चीज़ें पढ़ सकें, और उसके ब्याह पर हम आपको कंप्लीट थ्योरी लेकर के आने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही अधिक हेल्प करेगी। तो ये था आपका पूरा का पूरा बीपीएससी को लेकर के अपडेट। अब आपको कमेंट नहीं करना है, ना ही मैसेज करना है, बस अब आपको करना क्या है, अपनी तैयारी में अच्छे से लग जाना है। अब देखिए आज का जो हमारा क्वेश्चन है, इससे हम स्टार्ट करने वाले हैं। आधुनिक मीड़ को किस नाम से जाना जाता है, उल्लासित गमक, हुमपित गमक, प्लावित गमक या फिर आंदोलित गमक? तो जो आपका आधुनिक मीड़ है, यानी कि जो आज के समय का मीड़ है, इसको गमक की किस कैटेगरी में रखा गया है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गमक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ गमक आपका होता क्या है। जो गमक है आपका स्वरों के कंपन को गमक कहा जाता है। क्या है आपका? स्वरों के कंपन को गमक कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ से देख सकते हैं, जो स्वरों का कंपन होता है उसी को गमक कहा जाता है। देखिए इस प्रकार के जो स्वर होते हैं जो कि श्रोताओं के मन को प्रसन्न करें, आनंदित करें, उसी को हम गमक बोलेंगे। अब देखिए गमक के बारे में सारंगदेव जी ने बोला है, देखिए गमक अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताई हैं, लेकिन जो क्वेश्चन बनता है आपका, सारंगदेव जी ने 15 प्रकार की जो गमक बताई है, जिसे पंचदश गमक बोला गया है, वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। दक्षिण संगीत में आपकी 10 गमक मिलती हैं, तो यहाँ से आपको देख लेना है, दक्षिण संगीत यानी कि कर्नाटक संगीत में आपका 10 गमकों की चर्चा यहाँ पर होती है। अब यहाँ से हम बात करेंगे आधुनिक मीड़ को किस गमक का नाम दिया गया है, तो जो आपकी प्लावित गमक है इसको आपका मीड़ बोला जाता है, इसका जो मात्रा काल है 3/4 इसका रहता है, तो यहाँ से आपका ये भी पूछा जा सकता है। अब देखिए आपका जो आंदोलित गमक है इसका मात्रा काल आपका क्या रहता है, तो 1 मात्रा काल, ठीक है। आपका जो हुमपित है यह हृदय पर जोर लगा करके आपकी गमक ली जाती है। जो आपकी उल्लासित गमक है जब शीघ्रता से आरोह करते हुए इसको लिया जाता है, स्वरों को शीघ्रता से आरोह करते हुए लिया जाता है आपका उल्लासित गमक को, तो ये आपकी कौन सी गमक रहने वाली है, उल्लासित। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, आगे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट। देखिए आपको हम एक क्वेश्चन में 4 से 5 आपको फैक्ट बता देते हैं, तो आपके क्वेश्चन से आसपास के जितने भी आपके जो फैक्ट रहते हैं वो भी आपके कवर हो जाते हैं। तो आपको ये लेकर के नहीं चलना है कि आपका एक क्लास में हम 30 क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए 30 क्वेश्चन हम बेशक करवाते हैं, लेकिन इसके आसपास के क्वेश्चनों को अगर मिलाया जाए तो आपके 60 से 70 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं। आगे हम बात करेंगे त्रिभिन्न नामक गमक को आधुनिक समय में किस नाम से जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कण, खटका, सपाट या फिर पुकार? तो जो आपका आधुनिक जो आपका त्रिभिन्न है, जो त्रिभिन्न गमक है, इसको आधुनिक समय में किस नाम से जाना जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए अब हम जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को करते हुए चलेंगे, जिससे आपका समय बचे और जल्दी हम आपके सेशन को कंप्लीट कर दें। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, इसका राइट आंसर रहने वाला है पुकार। देखिए आपका जो आधुनिक पुकार है इसको त्रिभिन्न नाम से जाना जाता है, इसमें क्या होता है आपके 3 स्वरों को, अब 3 स्वरों के बाद आपका 4th स्वर पर जाया जाता है। आगे हम बात करेंगे विद्वानों ने कितने रसों का वर्णन किया है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इससे आपका जो रसों से क्वेश्चन आपका MPTET में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आगे मैं बताने वाला हूँ कुछ सब क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। देखिए रसों के बारे में कितने रसों का वर्णन मिलता है, तो आपके जो 9 रस हैं इनका आपका वर्णन मिलता है आपके विद्वानों के अनुसार, तो टोटल कितने रस आपके बताए गए हैं, 9, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, देखिए आधुनिक विद्वानों ने रसों की संख्या कितनी मानी है। अब देखिए यहाँ से आपका क्या था, यहाँ से आपका विद्वानों ने कितने रसों का वर्णन किया है, अब यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं प्राचीन विद्वान आ जाए अगर आपसे,
मध्यकालीन बुद्ध माना जाए तो भी आपका यह क्वेश्चन सेम रहने वाला है। अब यहाँ से देखिए आपका हम देखने वाले हैं कि आधुनिक विद्वानों ने रसों की संख्या कितनी मानी है। तो अब यहाँ पर आधुनिक विद्वानों ने रसों की संख्या मानी है आपकी 11, यानी कि जो नॉन रस थे उनमें दो नए रसों को ऐड कर दिया था तो आपकी जो रसों की संख्या बन जाती है 11। अब देखिए नौ रस कौन कौन से थे उस पर थोड़ा सा हम चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। पहला था आपका श्रृंगार रस, दूसरा था आपका वीर रस, तीसरा था आपका रौद्र, चौथा था आपका विवत्स, पांचवा था आपका अद्भुत, छठवा था आपका शांत, सातवां था आपका हास्य, आठवां था आपका भयानक और नवा था आपका करुण। तो इस प्रकार से आपके नौ रस थे जो कि प्राचीन विद्वानों के अनुसार आप कह सकते हैं, या फिर ऑल ओवर अगर आपसे आधुनिक समय का ना बोला जाए तो आप प्राचीन का ही मान के चलेंगे, यानी कि आपके कुल नौ रस यहाँ पर रखे गए थे। अब देखिए जो आधुनिक समय के दो रस और थे, तो दो रस कौन कौन से थे, वो थे आपके वात्सल्य और भक्ति, वात्सल्य रस और आपका भक्ति रस। अब देखिए यहां से आपका इस प्रकार से रस थे, आपका जो एमपीडीएट में क्वेश्चन पूछे गए थे इन रसों से दो क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए एक तो आपका पूछा गया था विवत्स रस का, इसका स्थायी भाव क्या होता है, और एक रस आपका था हास्य का, यानी कि एक और था इनमें से। तो आपके इन्हीं नौ आपके रसों में से दो क्वेश्चन बन गए थे। तो देखिए ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ इनके स्थायी भाव क्या रहने वाले हैं। देखिए श्रृंगार का क्या रहने वाला है आपका, रति, इसी को प्रेम भी बोला जाता है। वीर रस का क्या रहता है, उत्साह। रौद्र का क्या रहता है, क्रोध। विवश का क्या रहता है, जुगुत्सा, घृणा। जुगुत्सा भी बोला जाता है इसको और आपका घृणा भी बोला जाता है, ठीक है। अद्भुत का क्या रहता है, तो इसका रहता है अद्भुत का रहता है विस्मय। क्या रहता है आपका, विस्मय। शांत का क्या रहता है, निर्वेद। हास्य का क्या रहता है आपका, हास्य या फिर हसी। भयानक का क्या रहता है आपका, भय। करुण का क्या रहता है आपका, शोक। तो अब देखिए आपका बीपीएससी में कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, अगर रसों से क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो मुझे लगता है कि आपका जो शांत रस है इसका स्थायी भाव आपसे पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, बाकी तो आप कर जाएंगे। तो आपको इन स्थायी भावों को एक बार देख लेना है। अब देखिए आधुनिक समय के जो दो रस थे इनका स्थायी भाव क्या है, इनका दोनों का ही स्थायी भाव क्या है, रति। रति का मतलब क्या होता है, प्रेम, मतलब दोनों का ही स्थायी भाव प्रेम है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाएगा तो किस प्रकार से बन सकता है, जो भक्ति है यह भगवान के प्रति प्रेम था। किसके प्रति प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम या भगवान के प्रति रति, इसमें था आपका भक्ति में। आपका जो वात्सल्य है इसमें आपका संतान के प्रति प्रेम था, संतान के प्रति प्रेम। तो आपका इस प्रकार से यहाँ पर यह रहने वाला है। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक विद्वानों ने कौन से दो रस नए माने हैं। आधुनिक विद्वानों ने दो नए रस कौन से माने हैं, अद्भुत वात्सल्य, करुण शांत, भक्ति वात्सल्य या फिर भक्ति शांत। तो देखिए इसके बारे में मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें मैं चर्चा कर चुका हूँ कि आधुनिक विद्वानों के अनुसार दो नए रस माने थे, कौन से माने थे, तो वो थे आपके भक्ति और वात्सल्य, भक्ति और वात्सल्य। अब देखिए यहाँ से इनका स्थायी भाव क्या था, इन दोनों का स्थायी भाव प्रेम था, यानी कि रति था, रति को ही प्रेम बोला जाता है। देखिए भक्ति में किसके प्रति प्रेम था, तो भगवान के प्रति। वात्सल्य में किसके प्रति प्रेम था, तो संतान के प्रति। तो इस प्रकार से इनके दोनों के स्थायी भाव आपके रहने वाले हैं। आगे हम बात करेंगे शांत रस का स्थायी भाव कौन सा है, धृति, निर्वेद, मति या जड़ता। तो मैं आपसे अभी डिस्कस कर चुका हूं कि शांत रस का स्थायी भाव वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है, अगर रसों से क्वेश्चन आपका बनेगा तो यहां से बन सकता है। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या रहने वाला है, निर्वेद। क्या रहने वाला है आपका, निर्वेद। तो ये आपको याद होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे किस रस को रसराज के नाम से जाना जाता है।
तो रसों का राजा किसे कहा जाता है? रसों का राजा, यह क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो रसों का राजा किसे बोला जाता है? तो आपका जो श्रृंगार रस है इसे रसों का राजा बोला जाता है। श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार और आपका वियोग श्रृंगार, या आपका वियोग श्रृंगार। तो दो प्रकार का श्रृंगार रस होता है, तो ये भी आपसे अगर पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। संयोग श्रृंगार में क्या होता है? आपका मिलन का आपका वर्णन रहता है। वियोग श्रृंगार में क्या होता है? विरह का वर्णन रहता है, यानी कि बिछड़ने का वर्णन यहाँ पर रहता है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? शोक, हर्ष, रति या फिर क्षमा, तो आपको बताना है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ, रति है, या अगर आपसे प्रेम मिले तो प्रेम भी इसका स्थायी भाव यहाँ पर रहने वाला है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव क्या रहने वाला है? शांत, श्रृंगार, ग्लानि या फिर शोक। तो करुण रस का स्थायी भाव आपका क्या रहने वाला है तो आपको बताना है। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ करुण रस के बारे में, तो करुण रस का स्थायी भाव रहने वाला है आपका शोक। क्या रहने वाला है? आपका शोक। आगे हम बात करेंगे, पाश्चात्य सौंदर्य विज्ञान भारतीय डैश का प्रतीक है। पाश्चात्य सौंदर्य विज्ञान भारतीय डैश का प्रतीक है, ललित कला, संगीत, चित्रकला या रसशास्त्र। तो आपका जो पाश्चात्य सौंदर्य है यह किसका आपका प्रतीक है? तो देखिए रसशास्त्र का, किसका है आपका? रसशास्त्र का। तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हीगल ने, वाम गार्टन ने, शेक्सपियर ने, जॉर्ज मेरेडिथ ने। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। जो आपका एस्थेटिक शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बाम गार्टन है इन्होंने आपका एस्थेटिक शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, विभाव कितने माने गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, 8, 2, 1 या फिर 9। तो विभागों की संख्या कितनी मानी गई है आपको कमेंट करके बताना है। देखिए आपके जो रसों के भाव होते हैं वो चार रहते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो यहाँ से आपका स्थायी भाव तो मैंने आपको बता दिया, जो आपका स्थायी भाव है यह 9 है आपके, अगर 11 रस हैं तो 11 हैं। स्थायी भाव के बाद आता है विभाव, अनुभाव और आपका संचारी भाव। तो इस प्रकार से आपके रसों के चार आपके अवयव रहते हैं। तो अब यहाँ से आपको बताना है विभाव के बारे में। तो देखिए जो विभाव है आपके यह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो आपका पहला रहता है आलम्बन विभाव। कौन सा रहता है प्यारे बच्चों? आपका आलम्बन विभाव। दूसरा रहता है आपका उद्दीपन विभाव। कौन सा रहता है आपका? उद्दीपन विभाव। तो इस प्रकार से आपके विभाग रहते हैं दो। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, मानव में अस्थायी रूप से व्यक्त होने वाले भाव को क्या कहते हैं? अब देखिए जो आपका स्थायी रूप से व्यक्त होता है, स्थायी रूप से व्यक्त जो भाव होता है उसके क्या बोला जाता है? स्थायी भाव। क्या बोला जाता है आपका? स्थायी भाव। अगर आपका यहाँ से बोला जा रहा है अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से आपका व्यक्त भाव कौन सा है? तो अस्थायी रूप से व्यक्त होने वाला भाव कौन सा है? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव या फिर संचारी भाव। तो आपको बताना है आपका जो अस्थायी रूप से व्यक्त होने वाला भाव कौन सा है? तो देखिए इसका राइट आंसर रहने वाला आपका संचारी भाव। क्या रहने वाला है आपका? संचारी भाव। इसको आपका व्यभिचारी भाव भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका? व्यभिचारी भाव, ये आपका रहने वाला है। अब देखिए इसकी संख्या आपकी 33 मानी गई है। तो संचारी भाव है, इसकी संख्या कितनी मानी गई है? तो 33 इसकी संख्या मानी गई है। अगर आपसे देखिए कोई भी भाव अगर आपको मिलता है, अगर स्थायी रूप से उसका आपको लगता है कि ये स्थायी रहता है, परमानेंट नहीं है, तो वो आपका संचारी भाव के अंतर्गत आपका रहने वाला है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट,
संचारी भाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आलंबन, व्यविचारी, स्थायी भाव या फिर उद्दीपन। तो संचारी भाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए मैं अभी आपसे चर्चा कर चुका हूँ किस नाम से जाना जाता है, तो व्यविचारी भाव से इसको जाना जाता है। आगे हम बात करें नेक्स्ट, संचारी भाव कितने माने गए हैं? आपका क्वेश्चन है संचारी भाव कितने माने गए हैं, 30, 31, 32 या फिर 33। देखिए अभी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ आपके जो संचारी भाव हैं यह कितने माने गए हैं, तो यह माने गए हैं आपके 33। अब देखिए आपसे अगर ये भी पूछ लिया जाए कि व्यविचारी भाव कितने माने गए हैं, तो आपका व्यविचारी भाव है यह कितने माने गए हैं, तो ये भी आपके 33 हैं। क्यों 33 हैं? क्योंकि आपका संचारी भाव का ही दूसरा नाम है व्यविचारी भाव। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा रहने वाला है भट्ट लोलट ने रस संबंधी दृष्टिकोण को किस नाम से जाना जाता है? तो जो आपके आचार्य भट्ट थे, आचार्य भट्ट लोलट के जो रस संबंधी दृष्टिकोण था उसको किस नाम से जाना गया? वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहने वाला है। अब देखिए यहाँ से आपका निष्पत्तिवाद, उत्पत्तिवाद, अनुमतिवाद, इनमें से कोई नहीं, तो आपको कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, आपका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, उत्पत्तिवाद। क्या रहने वाला है आपका? उत्पत्तिवाद। अब देखिए जो भट्ट लोलट जी ने जो रस की निष्पत्ति की थी, तो आपकी रस की निष्पत्ति की थी उन्होंने, उन्होंने क्या बोला था? निष्पत्ति को बोला था कि इसकी आपको उत्पत्ति, उन्होंने क्या बोला था निष्पत्ति को? निष्पत्ति को उत्पत्ति बोला था। क्या बोला था? उत्पत्ति। तो इसी से आपका उत्पत्तिवाद उन्होंने दिया था, यानी कि उन्होंने बोला था कि रस जो होता है यह उत्पन्न होता है, यानी कि इसकी उत्पत्ति होती है, ना कि यह आपका मतलब कृत्रिम रूप से इसको आप ला सकते हैं। अब देखिए जिस प्रकार से मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता दूं, जैसे नाटक होता है, आपका फिल्म होती हैं, उसमें कृत्रिम रूप से जो अभिनेता होता है वो अभिनय करता है, वो कृत्रिम रूप से भाव प्रकट करता है, तो उसको उन्होंने बिल्कुल जो आपके भट्ट लोलक थी, ये लोलक जी थे, इन्होंने जो नाटक में अभिनय होता है उसको स्थायी भाव नहीं बोला है, उन्होंने उसको टेम्परेरी यानी कि कृत्रिम रूप से किया गया एक नृत्य बोला हुआ है, यानी कि एक नाटक उन्होंने उसकी संज्ञा दी है। तो यहाँ से आपका रहने वाला है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, रस के संबंध में अनुमतिवाद की स्थापना किस विद्वान ने की थी? तो रस के संबंध में अनुमतिवाद की स्थापना किस विद्वान ने की थी? भट्ट नायक ने, भट्ट लोलट ने, शंकुक ने या फिर भरत ने? तो आपको बताना है आपका रस के संबंध में अनुमतिवाद की स्थापना किस विद्वान ने की थी। तो देखिए यहाँ से आपको पता होना चाहिए जो अनुमतिवाद है आपका, जो आपका अनुमतिवाद है, अनुमतिवाद को आपका अनुक्रम, जो आपका अनुकृतिवाद भी बोल सकते हैं, अनुकृतिवाद। अगर आप अनुकृतिवाद मिले या फिर अनुमतिवाद मिले, दोनों ही सेम है। अब देखिए यह किसके द्वारा दिया गया था, तो मैं आपको बता दूं, यह आपका शंकुक के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? शंकुक जी के द्वारा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, निम्न में से कौन संचारी भाव नहीं है? तो आपको बताना है संचारी भाव निम्न में से कौन सा नहीं है, भय, ग्लानि, शंका या फिर आपका मद। अब देखिए यहाँ से संचारी भाव मैंने आपको बताया था, संचारी भाव क्या रहता है? यह एक अस्थायी भाव है। क्या है? अस्थायी भाव, यानी कि यह परमानेंट नहीं रहता है। तो देखिए आपका जो भय है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भय है, यह आपका यह एक आपका संचारी भाव के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? आपका संचारी भाव के अंतर्गत। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, पीड़ा को किस श्रेणी में रखा गया है? पीड़ा को किस श्रेणी में रखा गया है? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव या फिर संचारी भाव? तो पीड़ा को किस श्रेणी में रखा गया है, आपको कमेंट करके बताना है। अब देखिए पीड़ा आपकी क्या रहने वाली है, तो पीड़ा एक संचारी भाव है। पीड़ा आपकी पूरी तरह से परमानेंट नहीं रहती है। पीड़ा यानी कि दर्द, यानी कि कोई समस्या, ये आपकी आती जाती रहती है। तो ये आपकी क्या रहेगा, इसका आपका संचारी भाव के अंतर्गत आपका रहने वाला है। प्राचीन प्रबंध गायन किसका प्रकार है?
प्राचीन प्रबंध गायन किसका प्रकार है? ध्रुवा गीत का, रूपक का, अनिबद्ध गान का या फिर निबद्ध गान का? तो आपको बताना है जो प्राचीन प्रबंध है यह किसका रूप है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक बता देता हूँ, गान गान होता है आपका, जो गायन होता है यह दो प्रकार से होता है। एक तो आपका होता है निबद्ध गान, निबद्ध गान, दूसरा होता है आपका अनिबद्ध गान। क्या होता है आपका? अनिबद्ध गान। अब देखिए निबद्ध गान क्या होता है, यह आपकी ताल में बंधी हुई रचना होती है। क्या होती है? ताल में बंधी रचना, यह आपकी ताल रहित रचना होती है, ताल रहित। तो यहाँ से अब आपको देखना है आपका जो ताल रहित रचना है वो आपकी अनिबद्ध गान है, ताल में बंधी हुई रचना आपकी निबद्ध गान है। तो आपका जो प्रबंध है या ताल में बंधी हुई रचना होती है तो आपकी निबद्ध गान के अंतर्गत इसको रखा गया है। ठीक है, किसके अंतर्गत रखा गया है? तो आपका निबद्ध गान के अंतर्गत। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, सारंगदेव ने कितने प्रबंधकों का वर्णन किया है? तो यहाँ से आपको बताना है सारंगदेव जी के द्वारा कितने प्रबंधों की चर्चा यहाँ पर की गई है, 65, 70, 75 या फिर 80? तो आपको बताना है सारंगदेव जी के द्वारा कितने प्रबंधों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो देखिए सारंगदेव जी ने आपके 75 प्रबंध माने हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ प्रबंध, प्रबंध क्या है? आपकी स्वर ताल पद रचना, यानी कि स्वर प्लस ताल प्लस आपकी पद रचना, इन तीनों का समावेश ही आपका क्या कहलाता है? प्रबंध कहलाता है। अब देखिए इसमें आपका ताल का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए आपकी यह निबद्ध रचना के अंतर्गत आती है। अनिबद्ध के अंतर्गत आपका सिर्फ आलाप आता है, उसके अलावा आपका कोई भी रचना नहीं आती है। अब यहाँ से देखिए हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे भरत जी के समय की। भरत जी ने दो प्रबंधकों की जानकारी उनके नाट्यशास्त्र से मिलती है, एक आपका ध्रुवा, दूसरा आपका गीत। अब देखिए यहाँ से ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि भरत जी के दो प्रबंधकों की चर्चा मिलती है। आगे हम बात करेंगे सारंगदेव जी की, तो उन्होंने 75 प्रबंधकों की चर्चा की है। अब आगे हम बात करेंगे मतंग जी के द्वारा, तो देखिए मतंग जी के द्वारा अगर हम बात करें तो यहाँ पर 49 भी प्रबंध मिलते हैं, कहीं कहीं पर आपका 69 भी मिलते हैं, लेकिन उन्होंने प्रबंध का कोई मतलब सटीक आंसर उन्होंने नहीं दिया है कितने प्रबंध आपकी जो ब्रह्मदेशी ग्रंथ था उसमें कोई भी सटीक जानकारी नहीं मिलती है। तो आप अपने मतलब अगर क्वेश्चन आता है तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे थोड़ा सा इसके बारे में, तो आपके जो प्रबंध हैं अंगों के बारे में, प्रबंध के अंग कितने हैं? तो प्रबंध के 6 अंग हैं। प्रबंध की धातु कितनी है? तो प्रबंध की आपकी 4 धातु हैं। प्रबंध की जाति कितनी है? तो प्रबंध की आपकी 5 जातियां हैं। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको एक बार देख लेना होगा। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, सारंगदेव ने अपने प्रबंधकों का वर्णन कितने वर्गों में किया है? तो सारंगदेव जी के जो 75 प्रबंध थे, इन 75 प्रबंधों को उन्होंने कितने वर्गों में बांटा है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, उन्होंने 3 वर्गों में बांटा है। उनके 3 वर्ग कौन कौन से थे? तो पहला था आपका सूर्ण प्रबंध, क्या था आपका? सूर्ण प्रबंध। दूसरा था आपका आलिक्रम प्रबंध, कौन सा था आपका? आलिक्रम प्रबंध। तीसरा था आपका विप्रकीर्ण, क्या था आपका? विप्रकीर्ण प्रबंध, राइट। अब यहाँ से देखिए आपका रहने वाला है 3 प्रकार के प्रबंध। अब उन्होंने आपका जो सूर्ण प्रबंध है इसको भी 2 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में। कौन कौन से थे? शुद्ध सूर्ण और आपका सालंग सूर्ण, क्या था आपका? शुद्ध सूर्ण और आपका सालंग सूर्ण। तो इस प्रकार से उनके जो प्रबंध उन्होंने बताए हैं वो उन्होंने 75 बताए थे। अब देखिए इनकी संख्या भी अगर आपसे पूछ ली जाए तो आपको संख्या भी देख लेना है। देखिए यहाँ से आपका जो सूर्ण प्रबंध था ये इनकी संख्या थी 15, यानी कि शुद्ध 7, सालंग आपके 8, नहीं उल्टा था ये आपका, शुद्ध 8 आपके सालंग 7। इस प्रकार से आपके कुल हो जाते हैं 15। आपके जो आलिक्रम प्रबंध थे ये थे आपके 24, विप्रकीर्ण थे आपके 36। तो इस प्रकार से उन्होंने इनकी संख्या बताई है। आगे हम चर्चा करेंगे मतंग ने सभी प्रबंधों को
कितने किसके अंतर्गत रखा है। देखिए मतंग जी के द्वारा यहाँ पर बोला जा रहा है, तो मतंग जी ने अपने सभी प्रबंधकों को किसके अंतर्गत रखा है, तो आपको बताना है। मतंग जी के जो प्रबंध थे वो आपके द्रोहा के अंतर्गत थे, यानी कि जो व्रत जी का द्रोहा प्रबंध था उसके अंतर्गत उन्होंने रखा है, तभी तो इनके प्रबंधकों की जानकारी सटीक नहीं मिलती है, यानी कि इनके जो प्रबंध थे वह एग्जैक्ट नहीं पता है कि कितने थे। अलग अलग ग्रंथकारों ने अलग अलग छापा है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर रखा जाता है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, मतंग ने कितने प्रबंध माने हैं, तो मतंग जी ने कितने प्रबंध माने हैं। देखिए यहाँ पर आपको मिलता है, क्या मिलता है आपका 59, क्योंकि यहाँ पर आपको 49 ऑप्शन में नहीं है। अगर 49 होता तो आप 49 के साथ जा सकते थे। तो इस प्रकार से मतंग जी के बृहदेशी में आपके प्रबंधों की जानकारी मिलती है। अब देखिए यहाँ से हम बात करते हैं सालंग सूर नामक प्रबंध किसका भेद है। तो देखिए जो आपका सालंग सूर्ण प्रबंध है, मैंने अभी आपको बताया था, या किसका आपका रहने वाला है, तो सूर्ण प्रबंध का, जो आपके सारंगदेव जी का तीन प्रकार के जो आपके प्रबंध बताए हैं, सूर्ण प्रबंध, आलिकम प्रबंध और विप्रकीर्ण, उनमें से आपका एक प्रकार था सूर्ण प्रबंध का, आपका सालंग सूर्ण, दूसरा था आपका शुद्ध सूर्ण। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, प्राचीन प्रबंधों की कितनी धातुएं थी। तो आपको बताना है प्राचीन प्रबंधों की कितनी धातुएं थी, 6, 5, 4 या फिर 7। तो कितनी धातुएं थी, 6, 5, 4 या फिर 7। तो आपको कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। देखिए मैं अभी आपको बता चुका हूँ धातुओं के बारे में, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कितनी धातुएं यहाँ पर रखी गई हैं। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी धातुएं थी वो कितनी थी, 4। अंग कितने थे, 6। जाति कितनी थी आपकी, 5। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो जाति कितनी रहने वाली है आपकी, कितनी रहने वाली है, 4। आगे हम बात करें नेक्स्ट, प्राचीन प्रबंधकों की कितनी धातुएं थी, प्राचीन प्रबंधों की कितनी आपकी धातुएं रखी गई हैं। तो देखिए यहाँ से आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आपकी जो प्रबंध थे उनकी कितनी धातुएं मानी गई हैं। तो देखिए धातुओं की संख्या मानी गई है 4, और जो आपकी जातियां थी जातियों की संख्या मानी गई है आपकी, यहाँ पर धातुएं, यहाँ पर भी धातुएं, तो आपकी धातुएं कितनी है, 4 ही हैं। दोनों जगह सेम क्वेश्चन है, प्राचीन प्रबंधकों की कितनी धातुएं थी, तो 4। प्राचीन प्रबंधकों की कितनी धातुएं थी, 4। तो सेम क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्राचीन प्रबंध के अंग में नहीं आता है। देखिए अंग मैंने अभी आपको बताए थे, प्राचीन प्रबंध के कितने अंग थे, तो 6 अंग थे। कौन कौन से थे आपके, स्वर, पहला था स्वर, दूसरा था आपका विरुद्ध, तीसरा था आपका पद, चौथा था आपका तेनक, पांचवा था आपका ताल, छठवा था आपका पाठ। तो इस प्रकार से आपके 6 अंग थे। अब यहाँ पर आपको देखना है कि इनमें से कौन सा अंग नहीं है। तो देखिए तेनक है, पाठ है, विरुद्ध है, तो जो आपका आवोग है ये एक स्थायी भाव है, यानी कि स्थायी भाव उसका जो रस है उसका भाव है, तो यहाँ से आपका रहने वाला है आवोग, इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे हम बात करेंगे प्रबंध में गायक के नाम कुल आदि का वर्णन क्या कहलाता है। अब देखिए आपका जो प्रबंध है उसमें गायक के नाम कुल का वर्णन क्या कहलाता है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको बताना है आपका जो प्रबंध है इसमें आपके जो गायक हैं उसके कुल का वर्णन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका विरुद्ध। कुल के, अगर गायक के कुल का वर्णन किया जाए, गायक के कुल का वर्णन, गायक के कुल का वर्णन क्या कहलाता है आपका, विरुद्ध। अगर गायक के, आगे हम बात करेंगे गायकों के गुणों का वर्णन अगर किया जाए, अगर गुणों का वर्णन किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका पद, क्या कहलाता है आपका पद। अब देखिए यहाँ से आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, गायक के कुल का वर्णन, अगर कुल का वर्णन मिले तो विरुद्ध, अगर गायक के पद के गुणों का वर्णन मिले
तो वह पद क्या कहलाता है, वह पद। देखिए इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन थे आज के कंप्लीट हम करते हैं, आपके 30 क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो मैं आशा करता हूँ आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा, कमेंट करके बताइए आपका कितना स्कोर इनमें बना हुआ है, कितने क्वेश्चन आपके सही यहाँ पर बैठे हैं। और आपको देखिए इसी प्रकार से हम और भी क्वेश्चनों को हम बढ़ा करके लाने वाले हैं, और जल्दी हम आपको पर डे एमसीक्यू की सीरीज हम लेकर के आने वाले हैं, यानी कि पर डे आपको एमसीक्यू की क्लास मिलेगी डेली। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अपनी तैयारी को आप अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना, जिससे हम जो भी वीडियो लेकर के आएँ उसका नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँचे और आप उसको अच्छे से देख सकें। तो ये था आज का हमारा सेशन, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और गाइस जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं अच्छे से एंजॉय कीजिए, अच्छे से तैयारी में लग जाइए, अब आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।